हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये देखिए डबल कलर का डिज़ाइन। इसे आप बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, इसे आप कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। चार फंदों का डिज़ाइन है ये, बीच में एक एक फंदा हमने ये गैप के लिए लिया है। चार फंदे ये हैं और पांच फंदे ये, पांच के मल्टीपल फंदे, फाइव के मल्टीपल फंदे आप इसमें डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा लेंगे। और बीच में ये हमने सिलाई जो बुनी है, ये देखिए यहाँ पर हमने एक दो तीन चार 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 सिलाई बुनी है। ये छः छः सिलाई भी बुन सकते हैं आप इसको, आप इसको आठ सिलाई भी, जितना आप इसमें गैप देना चाहें आप उसमें गैप दे सकते हैं। निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये देखिए यहाँ मैं ये इसमें बनाना बताऊंगी। ये मैंने 11 फंदे डाले हैं, यानी 5 के मल्टीपल फंदे 10 फंदे और एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा रखा है। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। पहला फंदा तो हम इसी तरह बिना बुना ले लेंगे, धागा आगे लेंगे, एक फंदा बिना बुना लेंगे, दो फंदे बुनेंगे। ये हम राइट साइड पे हैं, सीधी सिलाई बुन रहे हैं, लेकिन हमें ये उल्टी तरफ बुनने हैं। एक फंदा बिना बुना लेंगे, धागा पीछे लेंगे, एक फंदा बिना बुना लेंगे, धागा आगे लेंगे, फिर एक फंदा बिना बुना लेंगे और दो फंदे हम ये बुनेंगे। उसके बाद ये एक फंदा बिना बुना लेंगे और धागा पीछे ले लेंगे। देखिए ये दो डिज़ाइन बन गए हमारे और ये फंदा भी हम ऐसे ही बना लेंगे। सिर्फ दो सिलाई का डिज़ाइन है ये। उसके बाद ये फंदा हम बिना बुना ले लेंगे, ये वाला फंदा भी हम बिना बुना लेंगे, धागा पीछे लेंगे और जो दो फंदे हमने उस तरफ से उल्टे बुने थे सीधी तरफ से, और उल्टी तरफ से हम ये दो फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद ये वाला फंदा बिना बुना लेंगे, धागा आगे लेंगे, ये फंदा बिना बुना, धागा पीछे, फिर ये फंदा बिना बुना और उसके बाद हम ये दो फंदे सीधे, फिर ये दो एक फंदा बिना बुना लेंगे, धागा आगे लेंगे और ये एक फंदा बिना बुना ले लिया। इसके बाद हमें ये देखिए ये डिज़ाइन बन गया। उसके बाद हमें ये सादी सिलाई बुननी है, जितनी सिलाई हम बुनना चाहें इसमें। बीच में हमें जितना गैप रखना है हम उतनी सिलाई बुनेंगे। हम चार भी बुन सकते हैं, ये छः भी बुन सकते हैं। तो अब हम ये सीधी सिलाई बुन लेंगे। ये सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं और एक ही कलर से बुनने हैं। उल्टी सिलाई बुन उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बुनेंगे, ये भी पूरी सादी बनेगी। ये देखिए ये डिजाइन बन गया। अभी हमने ये दो सिलाई की है, अभी हम दो सिलाई या चार सिलाई इसमें सादी और कर लेंगे और उसके बाद हम फिर से यही डिज़ाइन रिपीट करेंगे। ये देखिए ये डिज़ाइन के बाद हमने छह सिलाई सादी बना ली हैं। अब हम फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, धागा आगे लेंगे, ये बिना बुना लेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा बिना बुना लेंगे, धागा पीछे लेके एक फंदा बिना बुना, फिर धागा आगे लेके ये फंदा बिना बुना और दो फंदे उल्टे, एक फंदा बिना बुना, धागा पीछे लेंगे और ये भी बिना। इसी तरह से हम इस डिज़ाइन को रिपीट करते जाएंगे। उल्टी सिलाई में हमें वही करना है, जो फंदे बिना बुने लिए हैं उनको बिना बुने लेने हैं और जो बुने हैं वो बुनने हैं। ये दो फंदे सीधे बुनेंगे।
एक फंदा बिना बुना लेंगे, धागा आगे लेंगे, ये फंदा बिना बुना लेंगे, धागा पीछे लेंगे, ये फंदा बिना बुना लेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, ये फंदा बिना बुना, धागा आगे लेके, ये फंदा बिना बुना। सिर्फ दो सिलाई का डिजाइन है ये, और उसके बाद ये बीच में सादी सिलाइयां हैं। जितना गैप आप रखना चाहें उतनी सादी सिलाई बुने। बहुत इजी डिजाइन है ये, बिना बिगनर्स भी इसको आराम से डाल सकते हैं। जो ज्यादा डिजाइन जिनको नहीं आते बनाने, ये डिजाइन बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। ये देखिए, इसी तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे और ये हमारा बनने के बाद ऐसा दिखेगा। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।